सिरसा में चोरों के हौसले एक बार फिर से बुलंद हो गए हैं। एक के बाद एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर निकल जाते हैं और पुलिस हाथ मलते रह जाती है। ताजा घटना सिरसा के बनार रोड की है, जहां एक मोबाइल शॉप को चोरों ने निशाना बनाया है और लगभग 6 लाख की कीमत के मोबाइल पर हाथ साफ किया है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। वहीं दूसरी घटना सिरसा के हिसार रोड की है। जैमसन मोबाइल शॉप में करीब 3.5 लाख रुपए के कीमती मोबाइल व करीब 25,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ किया। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच शुरू की, फिंगर एक्सपर्ट को बुलाकर सबूत जुटाए। न्यू न्यूज फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट। ये रात को लगभग 1:30-2 बजे करीब 5 लड़के हैं स्विफ्ट पर आए थे। पहले तो उन्होंने 2 बार गाड़ी रोड से क्रॉस की, देख के गए पहले, फिर एक लड़का उतर के यहाँ दुकान पर आया, देख कर गया, फिर 10 मिनट बाद आए, फिर उन्होंने गाड़ी यहाँ खड़ी करी, 2 मिनट खड़े होके गली में वापसी आए, रिटर्न हो गए, फिर उन्होंने शटर नीचे से तोड़ दिया, शटर तोड़ के फिर रोड पर कुछ और आया, फिर गाड़ी में बैठ गए, 5 मिनट तक गाड़ी में रहे हैं वो। उसके बाद फिर उन्होंने शटर उठाया अंदर से और बड़े बड़े पॉलीथिन थे, पॉलीथिन में मोबाइल सारे उठा कर ले गए। तो लगभग कितना नुकसान है? लगभग 6 लाख का नुकसान हुआ है। तो इसके सीसीटीवी फुटेज भी आई है? हाँ जी, हाँ जी, सीसीटीवी फुटेज है इसकी। अब पुलिस को सूचित किया? हाँ जी, पुलिस को सूचित कर दिया था। 3.5 लाख की चोरी हुई है। टोटली स्मार्टफोन है इसके अंदर, सैमसंग कंपनी के, वीवो, इंटेक्स वगैरह के सभी इसके अंदर फोन है। तो चोर कैसे घुसे, कैसे कल शाम को किस टाइम बंद कर गए थे? नहीं, एक्चुअली 1-2 दिन से ना गाड़ी तो घूम रही थी, लेकिन हमारे को इसका जजमेंट नहीं हुआ कि क्या है क्या नहीं है। बाकी हमारे पड़ोस में भी नारोड अरोड़ा वाले, उनकी भी चोरी हुई है। तकरीबन टाइम रहा है 1:45 बजे का, हमें पता चला सुबह तकरीबन 7 बजे पड़ोसी का फोन आया कि आपके सेंटर टूटा हुआ है, तो हम दोनों आए हैं यहाँ, देखा सब दुकान खाली थी, उसमें कुछ भी मतलब सब सामान जा चुका था। हिसार रोड पे एक मोबाइल की दुकान है, इसमें चोरी की सूचना मिली थी हमारे को, और अभी यहाँ मौके पे आए हैं और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को बुलाया है, वो मौके का मुआयना कर रहा है और बाद में हम चेक करेंगे कि भी कितना सामान चोरी हुआ है।